भारत चीन विवाद के चलते भारत सरकार चीन के हर प्रोडक्ट्स की जांच करने में जुट गई है। भारतीय यूजरों के मोबाइल डेटा को कथित तौर पर लीक करने के मामले में सरकार यूसी ब्राउजर की जांच कर रही है और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस मामले में दोषी पाए जाने पर यूसी ब्राउजर पर बैन लगाया जा सकता है। यूसी ब्राउजर चीन की चर्चित कंपनी अलीबाबा का ब्राउजर है जो कि इंटरनेट सर्फिंग के काम आता है। इस ब्राउजर पर भारतीय उपयोगकर्ताओं से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने उक्त जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि यूसी ब्राउजर के खिलाफ शिकायतें हैं कि यह अपने भारतीय यूजरों का मोबाइल डेटा चीन स्थित सर्वर को भेजता है। ऐसी भी शिकायतें हैं कि अगर यूजर इस ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर देता है या ब्राउजिंग डेटा इरेज भी कर देता है तो भी उसके डिवाइस के DNS पर इसका नियंत्रण रहता है। इससे आगे अधिकारी ने कहा कि अगर इस ब्राउजर पर लगे आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो देश में इसे बैन किया जा सकता है। आपको बता दें कि अलीबाबा ने भारत में पेटीएम व इसकी पैरेंट कंपनी 197 में काफी बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा उसने स्नैप डील में भी काफी पैसा लगाया है। यूसी ब्राउजर ने पिछले साल दावा किया था कि भारत व इंडोनेशिया में उसके 10 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गूगल क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर है। आपको बता दें अगर इस चीनी ब्राउजर में थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई गई तो इस पर बैन लगाया जाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।